हमें ऊपर शांति स्तूप में, बड़ा सुंदर है वाक्य में, अच्छा बना हुआ है। और यहाँ जैकेट छोड़े आओ, हेलमेट छोड़े आओ, कुछ भी छोड़े आओ, कोई कुछ नहीं करता। मार्केट से हमने काफ़ी सामान लिया है, तो जिस जिसको मिले वो खुश नसीब समझना अपने आप को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। लेह का सुहाना मौसम और सुंदर से बच्चे ने हमारी आंख खोली। ये हंसता खेलता हमारे रूम के चक्कर मारे जा रहा था, तभी इसकी मम्मी ने आवाज़ लगा दी। खैर, आज का दिन एक्लिमेटाइज होने के लिए रखा है, क्योंकि आगे हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। गुड मॉर्निंग लेह से, और उठ गए हम, काफ़ी देर पहले के उठ गए हैं, बट हम निकल रहे हैं अभी, 2-3 बजने के आसपास है, और अभी हम लोकल आसपास मोनेस्ट्री है और शांति स्तूप है ये देखेंगे, और शाम में हम मॉल रोड देखेंगे। ले पैलेस भी है। हाँ, ले पैलेस भी है यहाँ, मॉल रोड भी है, मुझे बहुत प्यारा लगता है नाइट में। हाँ नाइट में, हाँ नाइट उसकी बहुत अच्छी है, और प्लस वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग का भी जुगाड़ है, और अगर हमें कुछ लेना वेना होगा तो मार्केट दिखाएंगे ले की आप। ले पैलेस भी बहुत प्यारा लगेगा, काफ़ी अच्छी मार्केट है, साफ रहेगा, सुंदर भी है। चलो साथ में चलो। ये है भाई पूरी मॉल रोड, सुंदर है बहुत। आज की पहली डेस्टिनेशन होने वाली है शांति स्तूप, और ये गांव का रास्ता हमें लेकर जाएगा शांति स्तूप की ओर। यहाँ पे भाई आओ ना, शांति स्तूप की एंट्री है ये पीछे हमारे, और यहाँ खड़ी गाड़ी वाड़ी खड़ी करने का पूरी बढ़िया जगह है। अभी हम ऊपर चलते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है, ये आपने देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपको कहीं जवाब ना मिले तो ये इसका जवाब है। शांति स्तूप बसा है लद्दाख के छोटे से गांव चांसपा में, जो कि 5 किलोमीटर दूर है सिटी से। ये शांति का प्रतीक जैपनीज बुद्धिस्ट और दलाई लामा ने 1983 में बनवाया था। इसके मस्तक पर दलाई लामा की मूर्ति है, और ख़ास बात, ये 2-लेवल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। पहला स्ट्रक्चर दिखाता है चक्र को, और 2 डियर उसके साथ बैठे हैं। गोल्डन बुद्धा दर्शाते हैं कि टर्निंग व्हील ऑफ धर्म, यानी धर्म चक्र को, जिसमें बर्थ, डिफीटिंग द ईवल्स और महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। हमें ऊपर शांति स्तूप में, बड़ा सुंदर है वाक्य में, फोटोज और वीडियोस आपने देख लिए होंगे। ड्रोन यहाँ अलाउड नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ, और आसपास की जो पहाड़ भी है ना, मस्त। यहाँ से पूरे लेक का व्यू दिखता है। हाँ, यहाँ से पूरे लेक का व्यू दिखता है। ये टॉप पे है इस वक्त। अभी हम एक जगह उस तरफ वहाँ जाने वाले, वहाँ पर बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ सांस थोड़ा सा ज़्यादा फूलता है। और हाँ, जो सामने ये ले मोनेस्ट्री है, ये ले पैलेस है वो। वी आर गोइंग टू ले पैलेस, जो कि यहाँ का सबसे टॉप व्यू है, और वहाँ मोनेस्ट्री भी है एक्चुअली। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है खारदुंगला वाले रोड पे, तो पहुँच के मिलते हैं आपसे। हम आ गए हैं ले पैलेस, और यहाँ पे 25 रुपये की फ़ीस है। अगर आप स्कैन करते हो तो आपको 20 रुपये की पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे पीछे ले पैलेस है। हम यहाँ पे पिछली बार भी नहीं आए थे, और इस बार इसलिए हमने थोड़ा डिसाइड करा कि हम जाएंगे। और एक और टॉप पे मोनेस्ट्री है, वहाँ हम लोग कल जब निकलेंगे खारदुंगला वाले रास्ते पर, वो उधर तक पड़ेगी, तब वहाँ जाएंगे हम।
लेह पैलेस यहाँ के राजा सेंगे नामग्याल का था, जो कि लेह पर राज करते थे। ये 9-स्टोरी बिल्डिंग में राजा और उसके परिवार वाले रहा करते थे। डोगरा एम्पायर आने के बाद ये सब खराब हालत में हो गया। अब इसको आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। छत से देखो तो पूरा ले नजर आएगा आपको। अच्छा बना हुआ है, और क्या है कि इसको नेशनल आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने कैप्चर कर रखा है, तो इस वजह से गेस सो इसकी फीस वगैरह इस पे चार्जेबल हो गई है, क्योंकि पहले फीस चार्ज नहीं हुआ करती जब 5 साल पहले आए थे। अब फीस तो नॉमिनल से कुछ ऐसा खास नहीं है, हाँ बट लमारी वाली ज़्यादा लगी मुझे, 50 रुपये फीस थी पर हेड, उसका नहीं मालूम बट इसकी तो 20 रुपये थी, 20-25 रुपये के आसपास। ऊपर टॉप भी अच्छा है बाकी तो। और एक यहाँ चीज़ यहाँ की खासियत है, यहाँ जैकेट छोड़े हो, हेलमेट छोड़े हो, कुछ भी छोड़े हो, कोई कुछ नहीं करता, मतलब एज इट इज कोई ऐसा बंदा छेड़खानी भी नहीं करता। दो वुड सजेस्ट कि भाई गोप्रो वगैरह अगर आपके हेलमेट में है तो उसे ले जाओ, रिस्क नहीं लेने का, बट स्टिल कोई टच वच नहीं करता। क्लीनिंग वगैरह चल रही है पूरी बाइकों की हमारी। ये वाले भैया हैं, ये भैया कर्नाटका से खेलते थे, अंडर 13, 14, 16 खेले हुए, और इन्हीं का ही ये वाला बैंक था। क्रिकेट मिल जाता है, कहते हैं अभी पीक सीज़न है तो कोई नहीं खेलता अभी यहाँ पे, बट जब ऑफ सीज़न होगा तब लोग NDS के नीचे मैसूर करके जगह वहाँ पे बंदे क्रिकेट खेलते हैं। जगह अच्छी है, बहुत सारे बहुत अंग्रेज मैंने यहाँ पे आते देख लिए अभी, तो वो शायद ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते होंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे ले लेता खा रहे हैं। ट्रेंड बदल रहा है भाई, ट्रेंड बदल रहा है। ये वाली है नई वाली माल है, कनेक्टिंग वाली कुछ करके दो बता रहा हूँ मुझे। और इसमें क्या होता है कि भाई फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाता है इससे, और अभी गवर्नमेंट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 2800 रुपये। सही है भाई, चीज़ बढ़िया। और ये वाली जो है ये अभी चल रही है 1400 रुपये की, जो गवर्नमेंट रेट है। ओल्ड हिमालयन है, हाँ ओल्ड हिमालयन है, 1400 रुपये की है पर डे प्लस पेट्रोल आपका। यहाँ पे वैसे नो पार्किंग है पूरी ले मार्केट में, बट यहाँ गली में ना पास में तिब्बत मार्केट में, तिब्बत मॉल करके जगह है कुछ छोटी सी, और यहाँ पे पेड़ पार्किंग है। मतलब अगर आप बाहर से आए हो तो थोड़ा डाउट रहता है कि भाई आपकी बाहर की गाड़ी है तो नो पार्किंग के चार्जेस ना लग जाए मॉल से। हाँ तो बेस्ट है कि भाई पार्किंग में लगा लो, क्योंकि जैसे हम शिमला हमला जाते हैं तो वहाँ तो बहुत समस्या हो जाती है। सब पार्किंग ही यूज़ करना, पार्किंग यूज़ करना चाहिए सेफ, क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर की होती है घर में दिक्कत ही होती है और कुछ नहीं, सेफ एंड सिक्योर रहते हैं आराम से, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। चलो हम वहाँ जा रहे हैं अभी, मैंने वो मान लो मिलते हैं। मार्केट से हमने काफ़ी सामान लिया है, तो जिस जिसको मिले वो खुश नसीब समझना अपने आप को, है ना। अभी हम यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर में। ये देखो सुंदर है ना, अरे रोशनी में लेंगे। कुछ
दुकानें तो क्लोज़ हो गई हैं, बाकी अभी काफ़ी आगे दुकान है बहुत सारी जो खुली होंगी, क्योंकि मार्केट 10 बजे तक खुलती है। इसका मसाले कम होते हैं, गौरव ये बनाते हैं हम। हाँ ये बनाया है। नेक्स्ट मंथ आता 650। लो भाई बोलो आप। भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, इंस्टाग्राम आईडी पे लाइक करें, फॉलो तो जरूर करें भाई इंस्टाग्राम पे। बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं भाई का बड़ा मन था। जरूर दबाएं भाई का बड़ा मन था। चलो बेसिकली यू आर फ्रॉम हियर? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली हमारे भाई हैं, और ये इनकी जो शॉप है लेन में, हम 5 साल पहले आए थे, हमने तब भी बहुत शॉपिंग करी, आज भी हमने 10,000 की शॉपिंग करी है। और यहाँ पे जो स्टफ़ है वो मतलब अमेजिंग, बहुत अलग। मैं बहुत कपड़े लेता हूँ बट मुझे ऐसा स्टफ यहाँ नहीं मिलता। बाकी ये एक बार बताएं, आइए पसंद कीजिए, अच्छी क्वालिटी मिलेंगी आपको। यहाँ पर दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली में क्वालिटी आपको चाहिए मेरी कितने की होगी? मेरी तो 4,000, 3,500 की होगी। मेरी तो मेरी 49,000 की। थोड़ा खाना वगैरह ठंडी लगाते खाना वगैरह खाते हैं, बहुत तगड़ी शॉपिंग कर ली हमने। मार्केट लगभग लगभग अभी क्लोज हो जाएगी थोड़ी देर में, और फिर हम अपने घर जाके सोएंगे, फिर मिलेंगे कल। ठीक है भाई, देखो बाय बाय कर। ये अंकल है हमारे डेजर्ट ओएसिस है ना? जी जी, डेजर्ट ओएसिस के मालिक हैं इस होटल के, और अंकल का नेचर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो छोटा सा ये हमारा डेजर्ट ओएसिस है जी, ये लेह में ही है, बाज़ार के साथ ही है, और शुगर है अभी हमारा तो बन ही रहा है जी अंकल का सर। जी अभी हमारा होटल गेस्ट हाउस बन ही रहा है, और यहाँ पे सारे बंदोबस्त है, तो पार्किंग वगैरह भी सेफ है, बिल्कुल पार्किंग बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कमरे के आगे वाईफाई भी जबरदस्त है, पार्किंग भी है, पार्किंग है सर, और अंकल भी है, अंकल तो हमेशा रहेंगे। आप यहाँ पे आओगे आपको होटल नहीं, आपको घर लगेगा, घर लगेगा, एक घर की तरह आपको यहाँ पे माहौल मिलेगा, सीट हो। शुक्रिया, बहुत बहुत हम आते रहे लद्दाख, अल्लाह अंकल भी आएंगे कभी नई दिल्ली तो बताए इंशाल्लाह, खुदा मैडम जी के साथ आएंगे। यहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुई है, लेटेस्ट 5 साल का सपना, 5 साल बाद पूरा हुआ है भाई साहब। ड्रोन का सिग्नल लॉस्ट हो गए थे।